तो चलो थ्योरी कॉन्सेप्ट के बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल सेमेस्टर। मैं ना एक चीज कहूंगा ना, इस सेमेस्टर 6 में फाइनेंशियल अकाउंट में ना सबसे इजी टॉपिक अगर मुझे कोई लगता है तो एक ये टॉपिक लगता है, अंडररैटिंग ऑफ शेयर्स इन डिबेंचर। सबसे इजी टॉपिक मुझे ये लगता है। इस पूरे सम सुक करने के लिए एक चीज याद रखना, इससे पहले बेसिक लेक्चर में अच्छे से कवर करना है उसे, परसेंटेज, फॉर्म अंडररैटिंग क्या होता है, मार्क एप्लीकेशन, अनमार्क एप्लीकेशन क्या होता है, वो सब अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, ताकि ये सब करते टाइम पे वो आपके माइंड में रहे और समझने में इजी हो जाए। ओके जितना मैंने यहाँ क्वेश्चन लिस्ट दिया है यार, तुमने अगर इतना भी कर लिया तो बहुत हो गया, बहुत हो गया, काफी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, पढ़ते क्या है। ए लिमिटेड इशूड 5,000 डिबेंचर एट 14% ऑफ 100 ईच। 5,000 नंबर से पहली बात तो ये डिबेंचर्स है, शेयर्स नहीं है। दोनों में डिफरेंस पता करना जरूरत है क्योंकि कमीशन दोनों का अलग अलग है। फिर 14% ये क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिससे कोई मतलब फिलहाल नहीं है। तो ऐसे एक डिबेंचर कितने का, 100 ईच का। हमने सेमेस्टर 5 में पढ़ा है थोड़ा बहुत, वो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में कुछ वैसे ही है। 5,000 नंबर ऑफ डिबेंचर है और एक डिबेंचर 100 ईच का है, बट प्रीमियम 5% है, 5% है, ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है, 5% है। अब बोल रहा है 80% ऑफ द इश्यू वॉज अंडरराइटन बाय बी एंड कंपनी, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर में से 80% अंडरराइटिंग कर रहा है कौन, कर रहा है बी एंड कंपनी। मतलब ये फुल्ली अंडरराइटिंग हुआ कि पार्शियल हुआ, सिंपल सा ये पार्शियल अंडरराइटिंग है, थोड़ा कुछ पार्ट अंडरराइटिंग हो रहा है। मतलब जो है 20% कंपनी खुद झेलने वाला है, खुद कलेक्ट करने वाला है, 80% कौन करने वाला है, अंडरराइटर अपना बी एंड कंपनी। कमीशन लीगली परमिसेबल, मतलब आपको याद होना चाहिए ऐसे टाइम पे कि कितना परसेंटेज है लीगली परमिसेबल है। मोस्टली आपको परसेंटेज दिया होता है, बट अगर ऐसा बोल दिया एज पर द लीगली परमिसेबल, तो जो अपन ने पढ़ा है बेसिक नोट्स में, वह वो वाले हम लोग रेशियो लेंगे, रेट लेंगे। फिर बोला है कौन से प्राइस पे, ऑन द इश्यू प्राइस, मोस्टली इश्यू प्राइस पे ही होता है, बट अगर मान लो बोल के दिया होगा फेस वैल्यू पे चार्ज करो, फेस वैल्यू, बट इस बार बोल के भी दिया है कि इश्यू पे करो, नहीं बोला तो भी हम इश्यू पे चार्ज करते। एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर ओनली 4,000 डिबेंचर, समझो हमने इश्यू कितना किया था 5,000, आया कितना 4,000। इसका सिंपल सा मतलब बनता है सर कि 5,000 हमने इश्यू किया, आया 4,000, मतलब 1,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं मिला है, मतलब इतना हमारा लाइबिलिटी बनने वाला है उस अंडरराइटर के लिए। क्योंकि हमने सीखा है यार कि जितना जितना नंबर ऑफ शेयर्स कम आएंगे या नंबर ऑफ डिबेंचर कम आएंगे, उतने नंबर्स एक अंडररेटर के लिए अंडररेटिंग करना पड़ेगा, वो लाइबिलिटी बन सकता है। ओके तो आंसर समझ रहे साहब साहब, 5,000 आना चाहिए था, 4,000 आया है, तो लास्ट में हमारा आंसर जो 1,000 आना चाहिए क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। एंड दिस वेयर फुल्ली अलॉटेड ऑल द मनी ड्यू फ्रॉम द अलॉटी वाज रिसीव इन वन इंस्टॉलमेंट, एक ही इंस्टॉलमेंट पूरा पैसा मिलने वाला है। प्रिपेयर क्या करना है, स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटी ऑफ बी एन कंपनी, बी एन कंपनी मतलब जो अंडररेटर है उसका लाइबिलिटी पता करना है हमें फर्स्ट थिंग। एंड द कंप्यूट द अंडरराइटिंग कमीशन एज पर द लॉ, दो चीज पता करना है। पहली बात तो सर वो जो अंडरराइटर है उसका लाइबिलिटी पता करो, सेकंड चीज क्या है उसका कमीशन पता करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लाइबिलिटी पता करने के लिए हमें कुछ कॉलम्स की जरूरत है, हमने डिस्कशन किया हुआ है, पर्टिकुलर्स, फिर बेसिक जिसमें अब सारे जो कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, सेकेंड वन बी एन कंपनी जो खुद कंपनी मतलब जो अंडरराइटर है वो, फिर थर्ड मैंने कंपनी का नाम लिखा है। यहाँ पे इन्होंने कंपनी का निकालने नहीं बोला था, मतलब जो कंपनी इश्यू कर रहा है उसका निकालने नहीं बोला था, बट मैंने लिख के बता दिया आपको, ठीक है, समझने के लिए। और लास्ट में क्या रहेगा, टोटल आपका रहेगा। देखो 80% ये करने वाला है, 20% जब अंडरराइटिंग नहीं करवा रहे, मतलब 20% कंपनी खुद करेगा। व्हाट इट, समझ लो हम कंपनी है, हमने अंडरराइटिंग अंडरराइटर अपॉइंट किया है, बट उसको क्या बोला, देख बाबा पूरे शेयर्स में से ना, पूरे डिविजेंस में से 20% मैं खुद बिकवा दूंगा, मैं खुद मतलब इसमें आ गया। 80% के लिए मुझे रिस्क है, तो 80% तू बिकवा, अंडरराइटर का अपन ने ऐसा बोला हुआ है। वो सारे रेशियोस यहाँ पे आएंगे, पर्टिकुलर चीजें यहाँ पर आएंगी, और हमें क्या निकालना है इसके लिए, लास्ट में कमीशन भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं तो कैसे स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, ऊपर हेडिंग आएगा स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, वो इंपॉर्टेंट है, अंडरराइटर का लाइबिलिटी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये हमारा मेन पार्ट ऑफ आंसर है। और सबसे बड़ी चीज है यार, बहुत बच्चों को गड़बड़ होगा ये कि ये जो हम फॉर्मेट बना रहे हैं ये पूरा नंबर ऑफ शेयर का खेल है, यहाँ पे एक भी रुपीस वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ये पूरा डब्बा किस चीज का है, नंबर ऑफ शेयर्स का है, व्हाट इट, ये पूरा डब्बा जब कभी हम स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडररेटर निकालेंगे तो ध्यान रखना पूरा का पूरा आपका किस चीज का रहेगा, वो नंबर ऑफ शेयर्स का ही रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स का ही रहेगा, ठीक है। तो ये अपना बन चुका है, फॉर्मेट हमें याद रहेगा, मैंने करवाया था, रटवाया था आप लोग को,
कि सबसे पहले सर आता है ग्रॉस लाइबिलिटी, क्या आता है ग्रॉस लाइबिलिटी, फिर होता है सर मार्क एप्लीकेशन माइनस करना होता है, तो फिलहाल यहाँ पे मार्क अनमार्क ऐसा कुछ बोला नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे यहाँ पे सिंपल मार्क अनमार्क कुछ नहीं बोला, टोटल एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है वो वाला चीज मैं माइनस करूंगा यहाँ पे, एप्लीकेशन कितना उसके नाम पे आएगा, तो फर्स्ट थिंग तो जरा चेक करो उनका टोटल टोटल कितना इशू किया था 5000, टोटल कितना इशू किया है, नंबर्स की बातों से नंबर्स लिख रहा हूं मैं, 5000 उसने डिवेंचर्स इशू किया था। अब 5000 में से आप लोग देखोगे तो 80% अपना अंडरराइटर का है, 20% कंपनी का। अगर मैं रेशियो की बात करूं यहाँ पे तो ये सिंपल सा मैं रफली यहां बताता हूं, पहले देखो 80% और 20%, तो कॉमन जीरो गायब होने का क्या बचता है 8:2। मैं आपको रफली क्या फेयरली बताता हूं स्टार्टिंग क्वेश्चन से, ठीक है। मैं यहाँ पे रेशियोस निकाल के आपको पहले बता रहा हूँ, रेशियोस कैसे निकाला मैंने, 80% बोला है एंड 20% बोला है, मतलब रेशियो क्या आ गया 8:2 आ गया कॉमन जीरो गायब होने के बाद। अगर इसको मैं और छोटा करूँ गया तो 2 4 8 2 1 2, सिंपल सा, तो रेशियो क्या बनने वाला है 4:1 रेशियो आएगा, फर्स्ट थिंग ये। तो मैं यहाँ रेशियो लिख दूंगा 4:1। अब टोटल लाइब्रेरी आपका 5000 का है, जब इसको 4:1 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 4000 और ये आएगा 1000। आई थिंक सबको पता ही होगा यार कैसे करते हैं, 5000 मल्टीप्लाई 4/5, फिर 5000 मल्टीप्लाई 1/5 करना, क्लियर। अच्छा इसके शॉर्टकट आपको पता है कि नहीं पता है बता दो एक बार, क्या करोगे कैलकुलेटर में पहले टाइप करोगे 5000, डिवाइड करोगे 5 इनका टोटल, ठीक है, डिवाइड 5, डबल मल्टीप्लीकेशन प्रेस करोगे, फिर 4 दबाओगे, फिर इक्वल करोगे तो आपका पहला आंसर मिल जाएगा 4000। फिर कुछ कट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली प्रेस करना 1, फिर इक्वल दबाना, आपको आपका सेकंड आंसर मिल जाएगा 1000। चाहिए तो उसको लिख के रखो, स्क्रीनशॉट नहीं लिख के रखना, स्क्रीनशॉट तकलीफ देगा आपको, इतना लिख के रख लो। तो आपको कोई भी, तो क्या करना है, जो अमाउंट का निकालना है वो अमाउंट पहले, फिर जो रेशियो का निकालना उस रेशियो का टोटली जो कॉमन से पहले लिया हमने, फिर डबल मल्टीप्लीकेशन, कुछ कैलकुलेटर्स में सिंगल मल्टीप्लीकेशन पे आंसर आता है बट आप डबल मल्टीप्लीकेशन का सब में यूज होता है, फिर पहला रेशियो निकाला था, पहला रेशियो टाइप किया मैंने, फिर इक्वल दबाया, फिर 4000, ठीक है। ये शॉर्टकट्स हमें हर जगह यूज करना है। चलो हमने पहले इतना निकाल दिया, अब चेक करो टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ है, बोल के दिया है एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर ओनली 4000 वेयर एंड दिस वेयर आर फुल्ली अलॉटेड, मतलब 4000 एप्लीकेशन ही आया। अभी इसने ये नहीं बताया कि 4000 मिला है वो 4000 सिर्फ अंडरराइटर के थ्रू मिला है या दोनों का मिला है, समझ रहे हो, क्योंकि अरे मार्क एप्लीकेशन अनमार्क एप्लीकेशन, तो इसे मैंने मार्क अभी लिखा नहीं, यहां बताया नहीं है कि किसके थ्रू ये एप्लीकेशन आया हुआ है, अंडरराइटर ने बिकवाया कि कंपनी ने बिकवाया है, जब ऐसा बताया नहीं है सो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि टोटल मुझे 4000 एप्लीकेशन आया है, और इस 4000 क्या करूंगा दोनों में बांट दूंगा मैं, क्योंकि बताया कुछ नहीं है, सो मैं इनको इसी रेशियो में बांटूंगा, क्या 4:1 में बांटूंगा, तो टोटल 4000 का मुझे फटाफट 4:1 में बांट के, तो वही करो, क्या करोगे आप पहले टाइप करोगे 4000, करो 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 4000 डिवाइड करोगे, फिर टाइप करोगे इनका टोटल, मतलब क्या आ जाएगा 5, फिर डबल मल्टीप्लीकेशन 4:1, चेक करो आपको आएगा 3200, यस और नो, तो सेकंड क्या मिल जाएगा अपने को 800। अब इसको हम करेंगे माइनस, क्या करेंगे इसको हम करेंगे माइनस, और माइनस करने पे सर ये जो है ना अपने को मिल जाएगा 800 एप्लीकेशन, यह आएगा सर 200 एप्लीकेशन, और यह आएगा अपना 1000 एप्लीकेशन। मैं स्टार्टिंग को बता दिया था कि टोटल जो इशू हुआ था वो था 5000 सर, और जो रिसीव हुआ था वो था शायद से कितना इशू रिसीव हुआ था 4000, तो कहीं ना कहीं क्लियरली मालूम पड़ चुका था कि 1000 शेयर्स का आपका लाइबिलिटी बनने वाला है, तो देखो 1000 शेयर अपना क्रॉस वेरिफिकेशन, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस आंसर इज कंप्लीटेड, सिंपल सा नंबर ऑफ शेयर लाइबिलिटी निकालना था, तो मैंने जो एक्चुअल इस क्वेश्चन का आंसर है आपका वो ये वाला पार्ट है कि अंडरराइटर का कितना लाइबिलिटी बनता है, तो यहाँ पे लास्ट में हेड लिख देने का आप नेट लाइबिलिटी, क्या लिख दिया नेट लाइबिलिटी, ये अंडरराइटर का इतना बनता है बोल के शो कर दिया हमने, काम खत्म कर दिया, सिंपल है, क्लियर है। अब सेकंड चीज हमसे क्या करने बोला है इन लोगों ने, इन लोगों ने बोला है कमीशन निकालो,
क्या निकालो, कमीशन। अब कमीशन का रेट ही नहीं दिया, क्या करूंगा मैं, सिंपल सा एज पर दी लॉ, जो भी हमारा लॉ बोलता है, जो भी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, देखो यहाँ पे दिस वन, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, ये रहा। ठीक है, अब पहले ये क्लासिफाई करो कि वो इक्विडिशियस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन में या प्रेफरेंस डिवेंचर के बारे में। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था यार कि सर ये डिवेंचर्स है, मतलब डिवेंचर्स वाला इस कॉन्सेप्ट में कवर होता है। सुन लो, अब इसमें देखना है कि अप टू 5 लाख वाले में कि मोर देन 5 लाख वाले में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें निकालना पड़ेगा कि कितने का है वो। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स जो कितना परसेंट रिसीव हुआ है, 3 ना, कितना रिसीव हुआ, 80%, मतलब 4000 रिसीव हुआ है। तो अगर मैं ऐसे डायरेक्टली ओरली भी करना चाहूं तो 4000 डिवेंचर्स है मल्टीप्लाई, 4000 डिवेंचर है मल्टीप्लाई 100 ईच है और कितना प्रीमियम बोला है 5%, तो 105। तो एक काम करो, 4000 मल्टीप्लाई 105 करो, एक रफली बता रहा हूं मैं, 4000 मल्टीप्लाई 105 समथिंग समथिंग 4,20,000, दैट इज विद इन 5 लाख कवर हो रहा है। तो जब विद इन 5 लाख का, सॉरी अप टू द 5 लाख है, विद इन 5 लाख है, तो ये वाले कमीशन चार्ज करने आप डेवलपिंग बाय अंडरराइटर ये आएंगे और पब्लिक ने सब्सक्राइब किया रहेगा उसके लिए 1.5% चार्ज करना है। चलो ध्यान देना, तो पहले ये कर ले, ठीक है। देखो कैसे इसको लिखने का, मैं यहाँ पे लिखता हूं, अपने क्या निकालना अभी है, अपने निकालना है कमीशन। अब कमीशन में दो चीजें यहाँ पे अपने पास है, सबसे पहले अपने इस नोट के हिसाब से क्या है, डेवलपिंग बाय अंडरराइटर, यहां लिख देंगे हम लोग डेवलप्ड बाय अंडर राइटर। ठीक है, तो अंडर राइटर से डेवलप कितना हुआ चेक करो, नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है क्वेश्चन में, हमने जस्ट अभी फाइंड कर देखा, अंडर राइटर के हिस्से में कितना आ गया 800, ये अंडर राइटर है ना और ये कंपनी है अपना, तो अंडर राइटर के हिस्से में कितना है 800, इट्स अ नंबर ऑफ डिवेंचर, ध्यान रखना ये गड़बड़ कर सकते हैं हम लोग। सो 800 डिवेंचर्स है और मल्टीप्लाई, एक डिवेंचर क्वेश्चन में चेक करो कितना बोला है, तो सर क्वेश्चन ने बोला है 100 रुपीज प्लस 5% प्रीमियम, गॉट इट ना, क्या बोल रहा है 100 रुपीज तो है लेकिन 5% प्रीमियम भी है, और इन्होंने बोला है कि जो कमीशन भी रहेगा वो इश्यू प्राइस रहेगा। इश्यू प्राइस मतलब क्या होता है, जो एक्चुअली जितने प्राइस में इश्यू हुआ मार्केट में, तो मार्केट में कितना फेस वैल्यू 100 था और 5 जो प्रीमियम, तो कितना हो गया 105, तो मल्टीप्लाई 105। देखो स्टार्टिंग क्वेश्चन थोड़ा स्लो जा रहा है, उसके बाद स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग, बट अगर समझ रहे आपको तो थोड़ा वीडियो का स्पीड में देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन है आपके पास। So, ये मल्टीप्लाई करो कितना आता है 800 मल्टीप्लाई, और कैलकुलेटर यूज करो अब एग्जाम में ढूंढना पड़ता है कहां 1 है कहां 2 है। So, कितना आ रहा है 6,72,000, नहीं ये 800 मल्टीप्लाई 105, ओके 84,000 आ रहा है, दिस वन देखो कितना आ रहा है 84,000 ये रुपीज आया है, मुझे इसके ऊपर कमीशन चार्ज करना है, गॉट इट, मुझे इसके ऊपर कमीशन चार्ज करना है। तो अब मैं निकालूंगा कमीशन, अब मैं निकालूंगा कमीशन, तो कमीशन जो है निकलेगा 84,000 पे कितना परसेंट वो समझो बॉस, ये डेवलप बाय अंडरराइटर, देखा देखो डेवलपिंग बाय अंडरराइटर कितना परसेंट है अप टू 5 लाख अमाउंट वाले के लिए 2.5%, कितना 2.5%, तो यहां लिखूंगा मल्टीप्लाई 2.5/100, निकाल के बताओ रे बाबा कितना आएगा सर, 84,000 मल्टीप्लाई 2.5% दैट इज इक्वल टू 2,100, अल्लाह 2,100 रुपए ये मिला है अभी, सिर्फ एक ही कमीशन ये वाला पार्ट मिला अभी, एक और है ना अपने पास, दो टाइप कमीशन है, दूसरा सब्सक्राइब बाय पब्लिक वाला पार्ट। चलो सेकेंड निकालते अभी, अप्लाइड या सब्सक्राइब बाय पब्लिक बोल सकते हैं इसको, चलो लिखता हूं मैं सब्सक्राइब और अप्लाइड बाय पब्लिक। तो अब इसका नंबर चेक करो, सब्सक्राइब और अप्लाइड बाय पब्लिक ने कितना किया, 3,200 शेयर्स, ऐसा नो ना 3,200 शेयर्स है। सो यहां पे क्या करूंगा मैं, डिवेंचर, सॉरी 3,200 डिवेंचर्स और एक डिवेंचर वही 100 रुपए ईच था बट 5 रुपए प्रीमियम बोला था, सो 105 एक डिवेंचर, तो कितने का बन गया करो मल्टीप्लाई, 3,200 मल्टीप्लाई 105 इज इक्वल टू 3,36,000, इट्स अ रुपीज, ये कमीशन नहीं है, इतना आपका इश्यूड प्राइस है, इतना आपका क्या है
इश्यूड प्राइस है, अपने को अब इसके ऊपर कमीशन निकालना है। अब मैं निकालूंगा कमीशन, कमीशन किस पे निकलने वाला है, 3,36,000 पे। अब ये कौन सा वाला है, सब्सक्राइब और अप्लाइड और पब्लिक, वो कितना परसेंट है, वो है सर ये वाला, देखना ध्यान देना, ये देखना अपने को, ये नहीं, ये तो जब 5,00,000 से ऊपर वैल्यू होगा तब देखना होता है। तो ये देखो आपका कितना 1.5 है, और ये तो 336 ही है ना यार, उससे नीचे ही है, 336 ही है, 5,00,000 से कम ही है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये वाला परसेंट दैट इज 1.5% निकालूंगा इसके ऊपर। तो 1.5/100 करके बताओ कितना आएगा फटाफट, 336,000 मल्टीप्लाई 1.5% समथिंग 5040 जो मिल रहा है, वो मिल रहा है 5,040 रुपीज। मतलब दो कमीशन अभी यहाँ पर आया है अपने पास, एक है ये वाला और एक है ये वाला। तो टोटल ये कितना बन गया चेक कर लो, अभी इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो टोटल कमीशन अपने मिल जाएगा 5,27,140 रुपए समथिंग रुपीज 7,140। ये बन गया क्या अपना, ये बन गया अपना टोटल कमीशन। इज दैट क्लियर, बहुत ही आराम से, बहुत ही समझने को इसका कॉन्सेप्ट, चलो कॉन्सेप्ट समझो यार, छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें, इस समय तो मैं कहूंगा कि ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि कौन सा कमीशन कब लेना, जब एज पर लीगल बोल दिया तो पहले चेक करो कि शेयर्स है कि डिवेंचर है। अब डिवेंचर डिसाइड हो गया, डिवेंचर डिसाइड होने के बाद इसमें दो कमीशन है, एक इसका एक इसका है। तो जब इसका देखोगे तो पहले चेक करना पड़ेगा कि 5,00,000 के अंदर है कि 5,00,000 के ऊपर है। देखो ये अपना मैं तो ओवरऑल बता रहा हूं, सिंगल बताऊं अगर ये 84 तो कहने के 5,00,000 के अंदर है, सो इसलिए हमने इसको पकड़ा, दिस वन 2.5% था। फिर आपको जब सब्सक्राइब पर पब्लिक तब देखो कि 5,00,000 के ऊपर है कि 5,00,000 के नीचे, तो कहीं ना कहीं ये आपका 336 था तो ये 5,00,000 के अंदर ही कवर होता है, कितना आ गया 1.5%। इस तरह से टोटल अपना कमीशन जो बनेगा 7,140 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आंसर था ये आपका पूरा बन गया। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन 7 से 8 मार्क के लिए या फिर 10 या 15 मार्क के लिए कुछ नहीं, चांसेस हो सकते, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक्चुअली है, ठीक है। इसमें चैप्टर इजी है, बहुत इजी है, कंपेरेटिवली अदर टॉपिक बहुत इजी है, आप कर सकते हो, बस कुछ क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। ये अपना हुआ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब मिलेंगे न्यू वीडियो में, न्यू लेक्चर तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और हाँ इस वीडियो को लाइक देना, हमका बटन देगा प्रेस कर देना, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।